अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। पॉइंट ऑफ सेल की सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा पूरी कंप्लीट सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम तकरीबन सब चीज़ें कर चुके हैं, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि रिटर्न। अगर सेल रिटर्न करनी हो, कोई कस्टमर है कुछ आइटम लेकर गया और वो वापस आ गया, उसको रिटर्न करना चाहता है, तो उसमें देखिए दो ऑप्शन होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चार क्वांटिटी लेकर गया किसी भी आइटम की, और उसमें से वो एक क्वांटिटी वापस करना चाहता है या दो करना चाहता है या सबको वापस करना चाहता है, एक्सपायर है या फॉर एग्जाम्पल वो उसमें रिटर्न की गारंटी है कि भी रिटर्न कर सकते हैं, मनी बैक गारंटी है, इस तरह का कोई ऑप्शन रखा हुआ है, या अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पैंट है या शर्ट है वो लेके जा रहा है, उसको साइज़ का इशू आ रहा है, तो फिर देन उस सूरत में वो किसी उसको रिटर्न करता है। तो देन यहाँ मैंने सब ऑप्शन इसमें रखे हुए, मैंने सारे फ्लेक्सिबल इसको बनाया है। मैं पहले आपको उसको चला के दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से हम रिटर्न कर सकते हैं और कैसे स्टॉक रिटर्न होती है और कैसे उसकी क्वांटिटी जो है वो माइनस होगी। फिर इसके बाद मैं इसकी कोड भी आपको लेकर आता हूँ। अब रिटर्न में देखिए मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, सेशन आईडी। ये सेशन आईडी वो है जो कि उसकी इनवॉइस यानी बिल पे आएगी, जब वो कोई भी चीज़ परचेस करके जाएगा तो उसको बिल मिलेगा, जो लास्ट में ट्रेनिंग के अंदर जो है वो मैंने इनवॉइस बनाना सिखाया था, तो वो मैंने सेशन आईडी से इनवॉइस बनाई थी, जिसमें अगर वो जितने भी आइटम्स लेगा तो उस पर आईडी उसकी सेम एक ही रहेगी, और उसके ऊपर जो उसकी इनवॉइस भी है उसमें जनरेट की थी, और इनवॉइस भी आपको एक ही मिल रही थी चाहे वो जितने भी आइटम सेलेक्ट कर परचेस करता है। तो अगर वो जो आइटम लेकर परचेज रिटर्न करने आएगा तो लाजमी बात है साथ में शर्त होती है कि इनवाइस हमें साथ लेकर आनी है, तो जब वो इनवाइस साथ लेकर आएगा तो उस इनवाइस पे सेशन आईडी होगी, जो हमने लास्ट ट्रेनिंग में की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिएगा, मैं सेशन आईडी से जो है वो सेल किया था और सेशन आईडी से ही मैंने इनवाइस जनरेट की थी। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर देखें, जब मेरे पास ये रिकॉर्ड है, अब जैसे मैं सेल के रिकॉर्ड को देखता हूँ, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ, लास्ट जो मैंने फेक एंट्रीज़ वगैरह भी की थी कुछ, और कुछ उस पर पहले हमारे डेटाबेस की एंट्रीज है वो भी मौजूद है। तो अब जैसे कोई भी आइटम परचेस करता हूँ तो यहाँ पर उसकी सेशन आईडी आ रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से क्वांटिटी वाइज मैं देखता हूँ, जैसा ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट की दो क्वान्टिटी वो लेके जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी ये सेशन आईडी जनरेट हो रही है 55461, और इसके ऊपर जो है वो चार पाँच पाँच छः आइटम मौजूद है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस सेशन आईडी को जब वो बिल लेकर आएगा तो उसकी सेशन आईडी जो है वो एडमिन सेलेक्ट करेगा, और लेने के बाद सेशन आईडी में यहाँ पे आके जब सेशन आईडी लिखेगा तो उसके अगेंस्ट में उसका पूरा बिल आ जाएगा, यानी इस सेशन आईडी के ऊपर इसने ये जो सब सामान परचेस किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये सामान परचेस किया था तो अब जब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें ये आइटम है क्लियर कर कि भाई मैं दो गलती से ले गया, मुझे एक वापस कर दो, लेकिन मुझे वापस करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको रो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ इसकी टोटल क्वांटिटी आ रही है कि उसने कितनी टोटल क्वांटिटी ली थी, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं अभी प्रैक्टिस की थी, जब मैं चेक करने के लिए मैंने जब उसको रिमूव किया था 0-0 आ गया था, अलबत्त ऐसा कोई भी नहीं होगा कि गाइड्स ने क्वांटिटी 0 हो, ऐसा कोई डेटा नहीं आएगा उसके पास, लेकिन मैंने अभी जो चेक कर रहा था अपने कोड को, तो फिर उस जो है ये गलती से हो गया, तो उससे मैं रिमूव अभी करा दूँगा, अभी कर दूँगा यहीं से। तो यहाँ पे आइटम क्वांटिटी 2 आ रही है, फॉर एग्जांपल इसमें एक आइटम को रिटर्न करना चाहता है, तो आपने यहाँ पे रिटर्न में 1 रखना है। रिटर्न में जब 1 रखेंगे तो मैं देखें यहाँ पे 4 बटन बनाए, 3 बटन इसके लिए अपना सेल के लिए और एक आपका स्टॉक के लिए, तो यहाँ मैं रिटर्न आइटम क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी वापस करनी है तो फिर ये बटन प्रेस करेंगे, यानी मतलब 2 लेके गया था उसमें से एक आइटम जो है वो वापस होगा, तो जब मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो क्या करेगा कि सेल में से जाके इस क्वांटिटी को 1 कर देगा, और इसकी प्राइस जो थी 400 थी, तो उसके पास जो टोटल प्राइस बन रही थी वो टोटल प्राइस 400 बन रही थी, और उसकी इससे पर आइटम प्राइस थी 200 रुपीज़, तो 200 के हिसाब से दो आइटम परचेस किए थे तो 400 बन रहे थे। जब मैं इसको रिटर्न करूँगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसकी टोटल प्राइस जो है वो 200 हो जाएगी, और इसी तरीके से ये स्टॉक के टेबल में जाएगा और वहाँ पे इसको ऐड कर देगा कि ये आइटम जो बिका हुआ था जो पहले माइनस किया था अब उसको मैं +1 कर देगा। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ देखिए आइटम रिटर्न हो गया। अब जब मैं इसी आईडी को दोबारा लिखूँगा तो यहाँ देखें यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो 2 की जगह यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना, और उसकी जो टोटल प्राइस है वो भी 200 हो गई और सेल प्राइस 200 थी, तो 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस 200 हो गई। इसी तरीके से अगर वो पूरी कोई आइटम है वो पूरा वापस करना चाहता है, जैसे अब यही आइटम है या ये आइटम है, दो क्वांटिटी है, अब ये क्वांटिटी नहीं करना चाह रहा बल्कि वो दोनों पीस रिटर्न करना चाहता है, तो फिर देन मैंने इसके लिए ये बटन बनाया था जिसमें रिटर्न आइटम
या आइटम को रिटर्न कर देगा, यानी इसका मतलब पूरी रो को डिलीट कर देगा यहाँ से, और यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी है ये दो क्वांटिटी जो है वो स्टॉक के अंदर लेके जाके दो आइटम उसके अंदर ऐड कर देगा, और यहाँ पे जो है वो दो की दो क्वांटिटी पूरी रो इसकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ मैं रिटर्न आइटम करूँगा तो सदा पूरी रो आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए जब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, मैं रिफ़्रेश नहीं किया, जब मैं रिफ़्रेश किया तो वो रो आपकी वहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वांटिटी रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है कि रिटर्न लिखना ज़रूरी, कितना आइटम उसमें रिटर्न कर रहा है वो ज़रूर लिखेगा, लेकिन जब ये बटन प्रेस करेगा तो इसका मतलब उस पूरी रो को रिमूव करना है, तो उसमें फिर रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर अगर वो मैं चाहता हूँ वो पूरा बिल लेकर आए, वो सारे का सारा वापस करना है, सब का सब रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्वान्टिटी इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी ज़ीरो है। तो दो वैसे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि अगर जैसे ये जीरो लिया रही, जो कि मैंने चेक करने के लिए जब मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पे मैंने इसको माइनस किया, तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँगा तो इससे मतलब है जैसे एक है तो मैं एक ही कर दूँगा तो ये ज़ीरो हो गई थी, लेकिन अगर उस इस रो को भी रिमूव करना चाहता है तो ये रिटर्न आइटम जो है इस रो को भी रिमूव कर देगा। ठीक है जी, अब देखिए जब हम इसको दोबारा लगाएंगे हमारे पास रिफ्रेश में वो आपका आइटम रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, अच्छा इसी तरीके से अगर वो पूरी रो को रिमूव करना चाहते हैं, जो भी इसने लिया सब कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो रिटर्न ऑल ये सब को रिमूव कर देगा। मैं मैसेज बॉक्स पास किया, यस का बटन प्रेस कर दिया, ओके का डन कर दिया। अब जब दोबारा ये आईडी को देखेंगे तो ये आईडी पर कुछ भी डेटा मौजूद नहीं है। तो ये तीन मैंने बटन इसमें बनाए। इसी तरीके से स्टॉक को रिटर्न करने के लिए अगर मैं कोई स्टॉक देखता हूँ, अभी स्टॉक आया तो इनवाइस स्टॉक के साथ इनवाइस नंबर होता है, यानी जो उसका बिल होता है उस बिल का जो इनवाइस नंबर है वो मैंने यहाँ सेव किया हुआ है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जेल इनवाइस है, इसको वो रिटर्न करना चाहता है या इसकी किसी क्वांटिटी को रिटर्न करना चाहता है, तो वो देन उस सूरत में यहाँ पे एंटर चॉइस इनवाइस नंबर में, फिर यहाँ नहीं बल्कि इनवाइस नंबर में आके उसने इनवाइस नंबर लिखेगा तो ये पूरी इनवाइस खुल जाएगी इसके सामने। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये आइटम लेके गया, 10 क्वान्टिटी इसकी मौजूद है, अब 10 क्वान्टिटी में से उसने कहा यार ऐसे करो यार ये बिक नहीं रहा ये वापस कर दो, ये सारा सामान वापस ले जा, तो उसी वेंडर को वापस देना चाहता है इस पूरे कैसे 10 की 10 क्वान्टिटी को, या इसने कहा चलो 10 में से 5 वापस ले जाओ, 5 रहने दो, नहीं बिक रहे सेल नहीं हो रही, ऐसे करो 5 वापस रिटर्न कर दो, तो फिर इसमें रिटर्न में आपने करेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे 10 क्वांटिटी थी जो इसकी पर आइटम जो परचेस प्राइस थी वो थी 34.75 रुपीज़, तो ये इसका जो टोटल बिल बन रहा था वो बन रहा था 347.50 रुपीज़। तो जब इसमें से 5 क्वांटिटी मैं वापस करूँगा रिटर्न करूँगा तो स्टॉक को रिटर्न करेंगे 5 को, तो अब देखिए जैसे मैं रिटर्न करता हूँ स्टॉक रिटर्न कॉलम टोटल क्वांटिटी, फाइव क्वान्टिटी यहाँ से आ रही है जबकि यहाँ पे डेटा ग्रेड सेल 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आइटम आ रहा है और अपडेट स्टॉक में क्वान्टिटी है। आइटम का नाम चाह रहे हैं डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की से टोटल क्वांटिटी से टोटल क्वांटिटी तो दोबारा देखते हैं मैं कोई और आइटम ऐड करके देखते हैं अगर यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ देखें आया क्या इशू आ रहा है अच्छा जैसे हम यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई और लेता मैं भी हो सकता है डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो यहाँ से हम जैसे ये मैं इनवाइस नंबर लेता हूँ
लेटेस्ट ले लेते हैं ताकि हम देख लेते हैं क्या शेयर। मेरे पास लेटेस्ट डेटा जो है वो 2016 का जिनका है वही दे देता हूँ। हम यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखता हूँ मैं। अब इनवाइस नंबर पे ये सारी इनवाइस आ गई ना। अब जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आइटम है जिसके ऊपर आइटम का जो कोड है, आइटम आईडी है, वो है 14685। मैं इस आइटम की क्वांटिटी माइनस कम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 24 पीस है और 24 में से मैं इसको 12 पीस जो है वो रिटर्न करना चाहता हूँ। तो 24 पीस की जो प्राइस है वो हमारे पास जो है पर आइटम 8 रुपीज़ 958 पैसा है, 98 रुपीज़ है, 98 पैसा है। तो इसके हिसाब से जो है 215 रुपीज़ 52 पैसा बन रहा है। तो अब जब इसमें से 12 आइटम वापस हो जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी मैंने माइनस की है, लेकिन जो इशू आ रहा है मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो स्टॉक रिटर्न भी आते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से आगे चेक करता हूँ। ये तो आपके पास नॉर्मली जाते, पहले भी चला गया था, इशू आया था यहाँ पर स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर ये तो रियल स्टॉक में जा रहा है और ये स्टॉक के टेबल में जब जाएगा तो स्टॉक के टेबल के अंदर इसको क्वांटिटी मिल रही है 12, जो इसको वापस करनी है। अब यहाँ से जब एग्जीक्यूट करता है वो भी वो असल में भी हो सकता है कि वो मैंने रफली डेटा डाला हुआ था तो वहाँ पे कहीं पे जो है वो उसकी फ़ौरन की वगैरह नहीं थी, तो देन इशू था। खैर वही हो गया मसला। तो यहाँ से जब इसको रन करते हैं तो क्वान्टिटी रिटर्न होगी सक्सेसफुली। और जब मैं इसको देखता हूँ तो इसके जो 24 आइटम्स पीस थे, तो देखिए यहाँ मैं इसको सर्च करता हूँ, तो जो 24 थे तो उसकी जगह ये 12 पीस हो गए, 8 रुपीज़ 98 पैसा ये इसकी प्राइस थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे 12 की जगह 24 की जगह 24 हो गए, 12 हो गए। और यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो इसके जो अमाउंट है टोटल वो आपके पास 107 रुपीज़ 67 हो गए। यानी इसको मतलब उसने जो है वो 12 पीस के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, पहले 24 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया था टोटल अमाउंट का, अब वो जो है वो 12 की 12 के हिसाब से हो गया। एक रिकॉर्ड और मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये 12 है, इसी में को सिलेक्ट करता हूँ जब मैं पहले ही टॉप वाले को इसकी क्वांटिटी दिखा रही है कि ये जैसे 12 का ये पहला रिकॉर्ड है, या 8 रुपीज़ 70 पैसा इसकी प्राइस है। इसको मैं इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैंने कहा 2 पीस रिटर्न कर देते हैं इसको, तो स्टॉक रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं इसको चेक कर चुका हूँ, मैं F5 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या कहानी है। अब जब मैं इसको सेशन आई इन्वाइस नंबर लिखता हूँ तो इस इन्वाइस नंबर पर देखें यहाँ से 12 पीस थे तो इसकी जगह 10 पीस हो गए और 8 रुपये 70 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट उसे किया तो 87 रुपीज़ उसकी टोटल अमाउंट हो गई। सो दैट बिल्कुल सही चल रहा है हमारा कोड। अब इसको वन बाय वन अब करते हो, जो पहले जो एरर आता वो भी बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ डमी इंट्रीज मैंने डाली हुई थी, तो वो डमी इंट्रीज के अंदर कोई ऐसा इशू था, लेकिन ये जेन्युइन उनका जो इनवॉइस अब डाली हुई थी उसका वो 2016 का मैं रिटर्न का उठाया है। तो जब चेक करने में बाजू का हम कुछ एंट्रीज करते हैं, कुछ को हम नल छोड़ देते हैं, तो वहाँ से जो है वो कुछ इशू आया था। खैर अब जो है मैं यहाँ पे जो है वो इसको अब मैं आपको इनके कोड समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने इस पर काम किया हुआ है। अब यहाँ देखें सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जो है मैंने ये तीन जो बटन है ये हमारे पास सेशन यानी सेल के रिटर्न के लिए, और ये बटन हमारा स्टॉक के रिटर्न के लिए। तो मैं पहले सेल के रिटर्न के लिए पोर्शन पे आता हूँ। तो यहाँ सेशन आईडी मैंने यहाँ पास की, इसके ऊपर मैंने लाइक की क्वेरी लगाई है, इसका टैक्स चेंज इवेंट लिया है और टैक्स चेंज इवेंट पे मैंने यहाँ पे जो है अब देखिए यहाँ दो चार चीज़ें देखी कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं डाली है। एक तो मैंने क्वेरी लगाई है, देखिए मैंने क्वेरी यहाँ भी बनाई है, ये मैंने यहाँ क्वेरी बनाई है और क्यूरी बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ से पास किया। तो जब मैं क्यूरी यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ मैं दो चार चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो ये कर रहा हूँ कि मैं जो डेट है, डेट इन जो आपके पास जो कॉलम है, डेट इन का जो कॉलम है आपके पास स्टॉक के टेबल के अंदर, उसको मैं यहाँ पे वर्चार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब है डेट जो है मेरे पास जो है वो अल्फ़ाबेट में आएगी, यानी सैटरडे संडे मंडे के साथ डेट आ रही है हमारे पास। यहाँ देखें मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि जब मैं वहाँ पर इस रो को सिलेक्ट करता हूँ तो जब मैं यहाँ से कोई भी सेशन आईडी लिखते हैं, जैसे मैं सेशन आईडी देता हूँ कोई भी, मैंने जैसे ये सेशन आईडी पास कर दी, तो इस सेशन आईडी के अगेंस्ट में यहाँ पे देखो डेटा आ रहा था। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये डेट, अब देखो यहाँ पे ग्रिड मैंने पास किया ना, तो वो रो मैंने क्यूरी ग्रिड पे लगाई है, तो यहाँ पे आपके पास जो डेट आ रही है ना वो इस तरह से आ रही है 21 नवंबर 2015, यानी रीडेबल पढ़ने वाला और साथ में टाइम भी आ रहा है इसके ऊपर कि कितने बजे ये किया गया, सेल किया गया है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पर मैंने टेक बॉक्स में पास किया था, रीडेबल, यानी आपको जो पढ़ने वाला होगा इनवॉइस वापस आएगी, उसके बाद इनवॉइस आएगी तो उसको मालूम हो गया किस तारीख को गया, तो उसको जो है वो पहले मंथ फिर डेट अगर इस फॉर्मेट में लेता हूँ तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि उसको कन्वर्ट किया है, उसको कन्वर्ट किया मैंने वर्चार के अंदर, वर्चार 50 करेक्टर के अंदर किसको डेट इनके वाले कॉलम को कन्वर्ट किया मैंने इसे, और बाकी मैंने जो है वो स्टॉक के टेबल से और इन्वेंट्री के टेबल से या फिर सॉरी जहाँ से स्टॉक के टेबल से और इसके अलावा जो है वो आइटम वाले टेबल से दोनों से मैंने रिटर्न लिया है कि स्टॉक के टेबल से मैंने जो है वो
सेशन आईडी, सेल सेल सॉरी सेल के रिवर्स सेशन की आईडी आ रही है, और इसके अलावा जो है आइटम का नाम भी उठा रहा हूँ, यानी आइटम आईडी उठा रहा हूँ, आइटम नेम उठा रहा हूँ, आइटम कंपनी उठा रहा हूँ, और इसके अलावा सेल प्राइस उठा रहा हूँ। सेल प्राइस जो है स्टॉक के टेबल से आ रही है, सेल डिस्काउंट, आइटम क्वांटिटी और टोटल प्राइस जिसका मैंने एस एल एस लगाया हुआ है वो सेल के लिए हमारे पास आ रहा है, और जो हमारे पास आई का जो मैंने लगाया है, आई का जो एल एस लगाया है वो मेरे पास जो है आइटम वाले से आ रहा है, यानी एस डॉट आइटम आई डी इसको मैं मैच कर रहा हूँ एस डॉट सेशन आई डी के साथ, यानी आइटम के साथ मेल कर रहा हूँ। यानी स्टॉक का टेबल है, स्टॉक के टेबल में हमारे पास जो है वो आई मैंने इसको दिया हुआ है, और सेल के लिए मैंने एस दिया हुआ है, यानी सेल के लिए एस दिया हुआ है। जो सेल के टेबल में से अब क्या क्या आइटम है सेल के टेबल में, उसके पास सेशन आईडी जो है वो सेल के टेबल से आ रही है। अच्छा, डेट इन जो है आपके पास सेल के टेबल से आ रही है, किस आई डी भेजा गया, पेमेंट की टाइप हो गई और टोटल प्राइस हो गई और आइटम की क्वांटिटी हो गई और डिस्काउंट हो गया और सेल प्राइस हो गया, ये आपके पास सेल के टेबल से आ रहा है। लेकिन चूंकि वहाँ पे आइटम का नाम जो है हमारे पास सेल के टेबल में नहीं है, तो आइटम का नाम लेने के लिए मैंने स्टॉक का टेबल लिया और उसको आई मैंने एनालिसिस पास किया है, और आइटम आई डी और आइटम नेम ये बेसिकली हमारे स्टॉक के टेबल से आ रहा है, और जहाँ मैंने इसको मैच किया आई डी और आइटम आई डी, यानी स्टॉक के टेबल की आइटम आई डी को मैच किया सेल के अंदर मौजूद आइटम आई डी से, और यहाँ पर जो है फिर इसके मैंने कंडीशन लगा के सेशन आई डी को मैच किया। तो ये जो क्यूरी है मैंने यहाँ पास की है, और ये मैं आपको क्यूरी समझाता हूँ। अब जो डेटा आपके पास आ रहा है, जो ग्रिड में डेटा आ रहा है टेक बॉस के चेंज इवेंट पे, यानी सेशन आईडी जैसे लिखेगा इसके चेंज इवेंट पे, अब मैंने क्या किया कि फिर मैंने पहले तो जो है वो एक वेरिएबल लिया, इंटीजर लिया चेक करने के लिए, फिर इसके बाद मैंने चेक किया कि आया क्वांटिटी भी आई लिखी हुई, यानी ग्रिड को सेल किया क्लिक किया और साथ में जो है उसने रिटर्न क्वांटिटी वो भी से लिखी हुई है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लाइक की क्यूरी लगाई है, तो लाइक की क्यूरी लगाने के लिए सॉरी लाइक यू नहीं कंडीशन लगा के सेशन आईडी को ऐसे मैच किया हुआ है। तो यहाँ पे डेटा ग्रिड रिटर्न के अंदर तो डेटा सोर्स, और यहाँ पे ओबीजीडी भी हमारे पास डीवी क्लास का है, डीवी क्लास के अंदर गेट टेबल का जो मेथड है मैं उस गेट टेबल के मेथड को ले रहा हूँ, सादे वाला ये वाला गेट टेबल का मेथड ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्यूरी पास कर रहा हूँ, और उस क्यूरी के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यूरी जो पास हो जाएगी, क्यूरी क्या लिखी है मैंने, वो जो अभी मैंने आपके सामने एसक्यूएल में क्यूरी दिखाई थी वही क्यूरी मैंने यहाँ लिखी है, आइटम आईडी, आइटम नेम वगैरह, टोटल प्राइस वगैरह लिखी हुई है, और यहाँ से जो है वो पेमेंट आया है वो फिर कन्वर्ट कर रहा हूँ डेट को, डेट इन को, और फिर इसके बाद जो है इसको ऊपर हेडिंग भी दे रहा हूँ, एलिसिस दे रहा हूँ डेट इन का, और सेशन आईडी भी पास कर रहा हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है उसको ज्वाइन कर रहा हूँ सेल के टेबल से, और सेल के साथ ज्वाइन जो कर रहा हूँ वो उसको मैं प्राइमरी की और फॉरन की को मैच करके कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मैच हो रही है। फिर यहाँ पे इसको मैं एसक्यूएल पैरामीटर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो है वो एसक्यूएल पैरामीटर वाला ये वाला स्टोर ये मेथड जो है गेट टेबल का ये रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे इसको क्यूरी मिल रही है, और यहाँ पे इसको एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है जी, फिर इसके बाद आके अगर वो नहीं मिलता तो यहाँ पे नल ग्रेड को नल कर देगा, तो अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलती है, सेशन आईडी नहीं मिलती, तो उसको डेटा ग्रेड को नल कर देगा, और अगर उसको मिल जाती है जहाँ पे हम लिखते हैं तो दोनों सूरत में यहाँ पे वैल्यू आपकी आसान कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो उसके टेक बॉक्स के चेंज इवेंट पे यहाँ से मेरी क्यूरी आ गई, और इसके ऊपर जो है वो लाइक क्यूरी से थ्रू आ गई। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सेल ग्रेड लिया। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा दिखा दूँ ताकि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लें कि किस तरीके से हमने जो है, मैं इसके थोड़ा सा इसकी साइज़ करता हूँ तो इसको आराम से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके कि मैंने क्या क्या कॉलम्स को मैच किया हुआ यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये हमारे पास टोटल आ गया, और ये अब चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, और चाहे तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा, रीडेबल है थोड़ा सा। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं हमने जो है, इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर आके ग्रिड लिया, ग्रिड का मैंने आके यहाँ पे सेल क्लिक इवेंट लिया है, और सेल क्लिक इवेंट पे अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो चेक करा रहा हूँ, एक तो इनवाइस नंबर को के लिए भी मैंने रखा हुआ है ग्रिड को, और यहाँ पे जो है वो रिटर्न सेल आईडी के हिसाब से भी रखा है, सेशन आईडी के हिसाब से रखा है, कि जो टेक बॉक्स जो मेरे पास जो है वो बेसिकली जो है सेल आईडी का रिटर्न का ये है हमारे पास। मैं इसको पहले यहाँ भी साफ समझा दूँ कि इस टेक बॉक्स का मैंने नाम रखा हुआ है TXT RETSID, और इसको मैंने नाम रखा है TXT INV नंबर, और इसका मैंने नाम रखा है DT, और ये रिटर्न के लिए मैंने रखा है TXT QTY, और यहाँ पे जो रिटर्न वो लिखेगा वो लिखेगा TXT RQTY, ये टेक बॉक्स इसको मैंने नाम पास किया है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं इसको पास करता हूँ तो मैं सेल के लिए कीमत पे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इनवॉइस के लिए, तो इनवॉइस हम बाद में देखते हैं, और यहाँ पे अगर वो सेल आईडी को जो है वो यहाँ पे लिखेगा तो रिटर्न सेल आईडी लिखेगा, उसको अगर खाली नहीं है तो देन उस सूरत में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे क्वांटिटी वाले टेक बॉक्स के अंदर उसकी क्वांटिटी पास की है, जो कि आपके पास जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस क्वांटिटी में इसकी क्वांटिटी आ जाएगी इस टेक बॉक्स के अंदर TXT QTY में,
अच्छा, फिर इसी तरीके से यहाँ पे डेट जो मैंने ली है वो आठवें वाले जो है इसका कॉलम के अंदर आ रही है, यानी इसको डेट इन जो है वो हमारे पास यहाँ पे डी टी के इस टेक्स बॉक्स के अंदर पास हो जाएगी। ठीक है जी, ये सेल के इवेंट पे आ गया। अब आते हैं रिटर्न आइटम क्वांटिटी पे, या मैं आइटम को क्वांटिटी को रिटर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब है जो जितने वो आइटम लिखेगा वही आइटम क्वांटिटी माइनस करना चाहता है, इसकी रो को रिमूव नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है और वो एक लिख के इस बटन को प्रेस कर देगा तो वो रो रिमूव नहीं होगी, उसकी जगह जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। तो कुछ लोग अगर ये चाहते हैं तो ऐसा भी सही है, और अगर कहता नहीं उस रो को हटा दो जिसमें से अगर वो एक थी और एक की एक वापस हो गई है तो उस रो की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको अपने पे दूसरा बटन है वो उस रो को रिमूव कर देगा। तो पहले तो ये कि क्वांटिटी वाले चेकबॉक्स पे आते हैं, पहले चेक करेगा क्वांटिटी वाले चेकबॉक्स को, ऐसे रिटर्न क्वांटिटी चेकबॉक्स वो भी खाली नहीं है, और इसी तरह आपको जो सेशन आई डी है वो भी आपके पास खाली नहीं है। तीनों चेकबॉक्स को चेक किया कि अगर वो एम टी खाली नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर मैंने एक पी पी के नाम से वेरिएबल लिया, और डेटा ग्रिड रिटर्न में से जो करंट रो के अंदर जो छठी जो पोजीशन थी यहाँ पे हमारे सारी परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस हमारे पास यहाँ पर आती है, इस परचेज प्राइस को मैंने पीपी के वेरिएबल में असाइन कर दिया। अच्छा, पीपी के वेरिएबल में परचेज प्राइस आएगी जो इसके छठा कॉलम हमारे पास, छठा जो है इंडेक्स है, आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर जो है मैं सिक्स जो कॉलम है हमारे पास जो आ रहा है वो आपके पास जो है वो परचेज प्राइस का आ रहा है यहाँ से। ठीक है जी, आपके परचेज प्राइस जो छठा कॉलम आ रहा है वो परचेज प्राइस का आ रहा है, तो अगर मैं आप देखता हूँ तो यहाँ पे जो है वो परचेस प्राइस का छठा कॉलम है वो, क्योंकि ये ग्रेड हमारे पास सारी, अगर यहाँ से विजुअल में देखना चाहे तो यहाँ से देख लें, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे सेशन आईडी मैंने लिखी तो अब जैसे जैसे मैं लिख रहा तो एक जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास जो टोटल प्राइस आ रही है ये आपके पास जो है वो परचेस प्राइस है इसकी। ठीक है जी, यानी उससे कितने में लिया ना, अगर क्वांटिटी किसी के दो है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, यहाँ पे जो है वो 60 हो जाएगा। तो अगर मैं कोई और दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, जैसे ये आइटम है तो हमारे पास यहाँ पे सेशन आईडी, इसको मैं लिखता हूँ, अगर देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जैसे दो आ रहे हैं तो दो तीन तीन आइटम है, इसकी प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है सेल प्राइस, तो 180 यहाँ पे आ रही है ना। तो ये इसी जो पोजीशन है ये सिक्स पोजीशन है, 0 1 2 3 4 5 और ये सिक्स, ये सिक्स पोजीशन आ रही है। ठीक है, जब सिक्स पोजीशन आ रही है और इसके इवेंट पे यहाँ पे क्वांटिटी भी इसकी मैं पास कर रहा हूँ, डेट भी पास कर रहा हूँ। अब ये सिक्स पोजीशन वाले को मैंने क्या किया कि यहाँ पर आके मैंने पी पी के वेरिएबल भी अंदर जो है इसको स्टोर कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए है, मैंने पी के नाम से, क्यू के नाम से और टी के नाम से। पी को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके जो पी सी की पी पी की वैल्यू जो स्ट्रिंग मैंने पास की थी अब वो यहाँ पे मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और कन्वर्ट होने के बाद पी के अंदर चली जाएगी। नहीं, पी पी यानी जो जो प्राइस है उसकी, जो सेल प्राइस टोटल प्राइस थी वो पी में चली जाएगी। फिर क्यू के वेरिएबल लिया है जिसमें अंदर उसकी रिटर्न क्वांटिटी जो लिख रहा है, जो टेक बॉक्स में लिखेगा, जो ये वाला टेक बॉक्स है जहाँ वो रिटर्न क्वांटिटी लिखेगा, जिस तरह से लिखा दो, तो ये दो जो है आपके पास रिटर्न क्वांटिटी इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, टी का जो वेरिएबल है उसमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया रिटर्न क्वांटिटी। यानी एक मिसाल है, अगर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है और 100 में से जो है वो उसको जो है क्वांटिटी, अगर आप रिटर्न क्वांटिटी दो है तो वो टोटल की 100 है और यहाँ पे जो है उसको दो है तो उसमें उसको माइनस कर देगा। तो फिर इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लगाई है और इनलाइन क्यूरी में लगा रहा हूँ। इनलाइन क्यूरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अपडेट लगाया, हमने कहा अपडेट कहाँ करेगा, सेल के टेबल में, और यहाँ से आइटम की जो क्वांटिटी है उसमें से माइनस कर देगा, जो मैं आई क्यू यानी जो आपके पास रिटर्न क्वांटिटी है जो उसमें से माइनस कर देगा सेल के टेबल से। अब देखिए मुझे रो रिमूव नहीं करनी, मुझे सिर्फ इसकी क्वांटिटी माइनस करनी है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं टोटल प्राइस में, तो टोटल प्राइस को माइनस कर देगा जो यहाँ पे अभी हमने जो है वो टीपी जो हमने पास किया, जिसको मैं यहाँ पे रिटर्न क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी है जो इसको यहाँ से टेकबॉक्स से मिलेगी, तो ये टीपी जो है यहाँ पे इसको मैंने पास किया, इसको मल्टीप्लाई किया सेल प्राइस के साथ, यानी टोटल प्राइस में से टोटल प्राइस में से, यानी टोटल प्राइस से माइनस करेगा किसको, सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ अपना टीपी यानी आपके पास जो है वो रिटर्न क्वांटिटी वाले टेक बॉस से। ये दो जगह पास करो, आई क्यू में भी दे रहा हूँ और टीपी में भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करेगा, और किसको करेगा, वेयर आइटम आईडी को मैंने चेक किया, आइटम आईडी से जो जिसको मैं इसको पास करूँगा आईआईडी, जिसको मैं यहाँ से दे रहा हूँ सेल की जीरो पोजीशन पे, यानी सेल के अंदर जो पहली पोजीशन पे आपके पास क्या है आइटम की आईडी है, देखो आइटम आईडी आ रही है आपके पास, तो यहाँ से आइटम आईडी को इसको पास कर दिया। फिर इसके बाद मैंने कहा आइटम आईडी मैच करनी है, और साथ में मैंने एंड लगाया और साथ में मैं सेशन आईडी भी मैच कर रहा हूँ, क्योंकि आइटम आईडी तो वो आइटम तो बहुत सारे लोगों को बिके होंगे ना, लेकिन सेशन आईडी तो यूनिक है, तो मैं यहाँ से सेशन आईडी मैच कर रहा हूँ कि सेशन आईडी भी मैच कर रहा हूँ और साथ में आइटम आईडी मैच कर रहा हूँ। और सेशन आईडी को मैं एस आईडी के नाम से पैरामीटर बनाया, और एस आईडी को मैंने 9 पोजीशन पे आपके पास ग्रीन में मौजूद है, तो गिनती करते हैं 0 1 2 3 4 5 6
और उसके बाद जो है वो 7, 8, 9, ये 9 सेशन आईडी आपके पास आ रही है। चाहे तो कॉलम का नाम लिख लें, बात एक ही है। तो अगर इंडेक्स नहीं लिखना तो कॉलम नाम लिख दें। फिर मैंने इसका कनेक्शन ओपन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद जो है कनेक्शन क्लोज़ कर दिया, तो अपडेट ही चलेगी और सेल के टेबल में जाकर उसकी क्वान्टिटी को प्लस कर देगी, जहाँ से वो क्वान्टिटी ऑलरेडी पहले माइनस हुई थी सेल के लिए, अब जिसको प्लस कर देगी। अब इसके बाद ये जाएगा स्टॉक के टेबल के अंदर, और स्टॉक के टेबल में भी अपडेट की क्यूरी चलेगी, और यहाँ पे न्यू क्वांटिटी में प्लस कर रहा हूँ क्वांटिटी को, एंड स्टॉक में मुझे ऐड करना है, तो इसको रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा कि मैं क्वांटिटी इसमें प्लस कर दूंगा, और इसी टोटल क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे जनरेट की थी, टोटल क्वांटिटी को मैं यहाँ पे जो जो वेरिएबल है उसके साथ में यानी जो टोटल क्वांटिटी है वो आपकी क्वांटिटी, इससे जो रिटर्न क्वांटिटी है वो आपकी वहाँ पे चली जाएगी टोटल क्वांटिटी के अंदर, और परचेस प्राइस यानी प्लस कर देगा ट्वेंटी टोटल क्वांटिटी में प्लस कर देगा। फॉर एग्जांपल पहले अगर 10 पीस पड़े हुए थे, या दो वापस हो गए तब 12 हो जाएंगे, या फिर दो लेकर आएगा और 10 पहले से मौजूद थे टोटल क्वांटिटी, तो ये जो है इसमें प्लस करके यानी अब जो अपडेट होगा तो वहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी अगर 10 पहले थी और दो अभी रिटर्न हुए तो इसका मतलब 12 हो जाएंगे। फिर सर टोटल अमाउंट में मैंने जहाँ से वही परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई किया न्यू क्वांटिटी से, और यहाँ पे जो इसकी क्वांटिटी से मैं उसको प्लस कर दिया, तो जो उसकी वहाँ पे स्टॉक के अंदर हर रो के देखे टोटल अमाउंट है, उस टोटल अमाउंट तो डिस्टर्ब हो गया ना क्योंकि वहाँ से माइनस हो गया, तो उस टोटल अमाउंट के अंदर क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, यानी टोटल अमाउंट अगर फॉर एग्जाम्पल बन रही 10,000 रुपीज़, अब ये दो वापस हुए जो इसके इसके अमाउंट थी 100 रुपीज़, तो 10,000 और 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो 100 रुपीज़ ये जनरेट करेगा, और इसके साथ ये 100 रुपीज़ देगा, और इसके बाद जहाँ पे न्यू क्वांटिटी में टोटल अमाउंट के अंदर यहाँ पे टोटल प्राइस के अंदर न्यू क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करेगा उस क्वांटिटी से, और उसमें उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट जनरेट कर देगा, यानी टोटल परचेस प्राइस उसकी चेंज हो जाएगी, और अब उसकी परचेस प्राइस जो पहले 10,000 थी, दो आइटम वापस आ गए तो उसका मतलब 10,100 हो गया अगर 100 के आइटम वापस आए, और इस तरह से आइटम नेम को यहाँ से मैं जो है वो आई के वेरिएबल से मैच किया कि आइटम नेम कौन सा जिसको मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर है, यहाँ पे कोई सेशन से वास्ता नहीं है, सिर्फ सिर्फ आइटम से नेम से वास्ता है, हर आइटम की आईडी जो है वो यहाँ पे यूनिक है, तो इसलिए यूनिक आईडी ही होगी, और उसी रो को जो है वो जाके वो वैल्यू चेंज करेगा और वहाँ पे अपडेट की क्यूरी चलेगी, और साथ में मैसेज पास कर दिया आइटम रिटर्न का। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे रिटर्न के अंदर आ जाते हैं, और रिटर्न में मैंने जो दूसरे बटन में काम किया है वो है रिटर्न आइटम। अब रिटर्न आइटम जो है बेसिकली अब क्या करेगा, उस पूरी रो को रिमूव करेगा। अब रिटर्न आइटम के अंदर आगे इस क्या करना है कि अब जो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे पहले तो चेक करेगा सिलेक्टेड रोज़ के काउंट को, कि अगर वो रोज़ इसमें बड़ी हो गई है, बस के पैरामीटर जो मैं पैरामीटराइज क्यूरी लगा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से पैरामीटराइज क्यूरी लगाई, और यहाँ पे आइटम आईडी को मैं सेल से मैच कर रहा हूँ सेल की आइटम आईडी वाले कॉलम से, और ग्रिड के अंदर मुझे सेल के अंदर ग्रिड के अंदर जो सेल है आइटम आईडी उससे मैच कर रहा हूँ, आइटम क्वांटिटी को ग्रिड के अंदर आइटम क्वांटिटी से मैच कर रहा हूँ, और सेशन आईडी को मैं यहाँ पे ग्रिड के अंदर सेशन आईडी के कॉलम से मैच कर रहा हूँ। ये तीन वैल्यू उसके पास जाएगी, फिर यहाँ पे जो पी अंडरस्कोर रिटर्न के नाम से स्टोर प्रोसीजर है जो हमने यहाँ बनाया था पी अंडरस्कोर रिटर्न के नाम से है, इसमें देखें वही काम हुआ है, एक तो अपडेट हुआ है स्टॉक के अंदर अपडेट करेगा, और अपडेट करके जब आपके पास है और यहाँ से उसकी क्वांटिटी को माइनस कर देगा, और इसी तरीके से डिलीट कर देगा, यहाँ मैं डिलीट लगा दिया, इसका मतलब है वो स्टॉक से इसको डिलीट कर देगा, और वो आइटम जो यहाँ से इसकी जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये स्टोर प्रोसेस यूज़ किया, हम डन कर दिया, और उसके बाद जो है वो अगर नहीं होगा कोई वजह होगी तो एरर का मैसेज पास कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये हमारे पास आइटम उठाएगा रिटर्न ऑल मैंने किया था, तो क्या हुआ था, उस पूरे को पूरा सेशन आईडी के ऊपर जितने आइटम थे सब के सब रिटर्न कर देगा, तो उसके लिए भी यहाँ पहले तो मैसेज पास किया है कि बाकी अब रिटर्न करना चाहते हैं आर यू श्योर, मैसेज में अगर यस का बटन प्रेस करेगा, अगर वो यस का बटन प्रेस करता है डायलॉग बॉक्स में, अगर यस का बटन प्रेस करता है तो वो इसके ब्लॉक में लेके जाएगा, या फॉरिज की लूप चलाइए डेटा ग्रेड व्यू से मैच किया, पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ, और यहाँ पे तीनों को उसको पास कर दिया और तीनों को कॉलम से मैच किया जब भी मैंने बताया था, और फिर ये पहले तो देखिए यहाँ पे दो जाएगा, एक तो ये जाएगा क्योंकि उसने पूरी योग उड़ाना है, तो पी अंडरस्कोर रिटर्न जो अभी मैंने आपको दिखाया था स्टोर प्रोसीजर वहाँ जाके इसको डन कर देगा, और इसके बाद फिर जो है वो रिटर्न ऑल के अंदर आके इसके डन कर देगा, और यहाँ से आपकी जो रिटर्न की जो होगी पूरा जो कोड होगा पी अंडरस्कोर रिटर्न का, ये बेसिकली क्या करेगा यहाँ से इसको डिलीट कर देगा स्टॉक में से, और जैसे डिलीट हो जाएगा तो ये आपके आइटम जो है क्वांटिटी तो क्वांटिटी से उड़ा दी, बस स्टॉक से इसको रियल स्टॉक से इसको डिलीट कर देगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, हमारे पास तीसरा था स्टॉक रिटर्न का, स्टॉक रिटर्न पर आ जाते हैं, तो स्टॉक रिटर्न में जो आइटम है तो हम यहाँ पर इन्वाइस नंबर से इसको मैच करेंगे, तो हम जो इन्वाइस देंगे तो यहाँ पर आर स्टॉक को मैंने माइनस किया,
और आर स्टॉक को मैंने यहाँ से जो अपडेट आर स्टॉक के जो टेबल में जाएगा, रियल स्टॉक वाले टेबल में जाएगा, और यहाँ से जो है उसकी क्वांटिटी को जो है उसने जो पहले क्योंकि हम अब तो इनवाइस है, क्योंकि हम इनवाइस रिटर्न कर रहे हैं, स्टॉक वापस कर रहे हैं, वेंडर को वापस कर रहे हैं या सेल्समैन को या कंपनी को वापस कर रहे हैं, तो उसके बाद अब उसकी क्वांटिटी में से यहाँ से हम उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ से माइनस कर देंगे तो इसकी टोटल क्वांटिटी भी इसकी माइनस हो जाएगी, इसी तरह से टोटल प्राइस भी जो है कैलकुलेट करा के इसको भी मैंने माइनस कर दिया और उसको माइनस कर दिया, जहाँ पे आइटम आईडी मैंने पास की थी और इनवाइस नंबर को मैच करूँगा जो वेंडर ने हमें इनवाइस दी हुई होगी, उस इनवाइस आईडी को हमने एंट्री की हुई है, उस इनवाइस नंबर के हिसाब से मैं इसको जो है वो क्या करूँगा स्टॉक में से इसको माइनस कर देंगे, रियल स्टॉक से भी करेगा और स्टॉक के टेबल से भी करेगा। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि आर स्टॉक और स्टॉक के टेबल में क्या फ़र्क है, मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, दोनों जगह पर क्यों इसकी एंट्रीज कर रहा हूँ, ये मैंने शुरू में आपको समझाया था। और इसी तरीके से फिर क्या करेगा जब ये रिटर्न कर देगा, जब देखिए मैं इसका भी दिखाता हूँ, इसकी क्यूरी दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी वही मैंने किया, वो इसको माइनस कर दिया, उसके टेबल में से सेम क्यूरी है, सिर्फ उसमें यहाँ पर चेंज हो गया, हमारे पास जो है वो टेबल का नाम चेंज हो गया और यहाँ पर ग्रिड भी हमने इसको मैच कर दी, ग्रिड से मैच हो जाएगा। जब मैच होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये फिर मैंने क्या किया, जब दोनों रिटर्न हो जाएगा, अपडेट दोनों रिटर्न हो जाएगा, तो फिर TBL रिटर्न के जो टेबल है, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड रहे कि हमने कंपनी को क्या क्या आइटम वापस किया है। क्योंकि होता ये है कि जब हम वेंडर से कोई सामान लेते हैं और जिसको वापस करते हैं तो उस वक्त तो पेमेंट नहीं करता ना, वो कहता है यार नेक्स्ट बिल मैं उसको एडजस्ट कर लेना या इसकी जगह मैं दूसरा सामान भेज दूंगा, तो हमें मालूम तो चले कि हमने रिटर्न क्या किया है। तो फिर उसके लिए जो मैंने टेबल बनाया था TBL रिटर्न के नाम से, उसमें इसकी एंट्री कर रहा हूँ कि क्या आइटम मेरा वापस जा रहा है, यानी TBL रिटर्न अभी जैसे हमने किया था इसके अंदर, और कुछ मैंने चेकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था, तो TBL रिटर्न के टेबल पे आते हैं। और जब मैं इसमें से रिकॉर्ड देखता हूँ तो यहाँ देखिए, बल्कि मैं इसको न्यू क्यूरी पे लेता हूँ, हमने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL रिटर्न, तो यहाँ देखिए हमें बताएगा कुछ उसका डेटा है, कुछ मैंने अभी किया, जैसे अभी हमने एक आइटम को रिटर्न किया था, जैसे ये देखे ना मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी एक दफ़ा रिटर्न की थी, फिर 12 क्वांटिटी से पहले मैंने रिटर्न की थी ना, 24 थी उसमें 12 की थी, और फिर 12 में से मैंने दो करके 10 कर दी थी। यहाँ देखिए उसकी एंट्री आ रही है, ताकि उसको ये मालूम चल जाए कि उसने क्या क्या आइटम जो है वो वेंडर को रिटर्न किया, उसके साथ में वेंडर का नाम भी आ रहा है, यानी आइटम का नाम भी आपके पास आ रहा है, और आइटम की कंपनी का नाम यानी वेंडर का भी आपके साथ साथ नाम आ जाएगा, और कौन वेंडर ले रहा है उस वेंडर का नाम भी आ गया और उसकी अमाउंट भी आ गई, ताकि उसके अगेंस्ट में वो कोई दूसरा सामान देता है या नेक्स्ट टाइम में अपने बिल में से पैसे माइनस कर लेता है, तो उसके बाद रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने रिकॉर्ड आइटम आपको वापस किया है। तो इस पर्पज़ के लिए रिटर्न के टेबल में इंसर्ट की क्यूरी लगा दी और सिंपल जैसे उसमें डेटा को सारा हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, और फिर इसके बाद मैसेज पास कर दिया कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली हो चुका है। दोबारा कवर भी दोबारा देता हूँ, मैं यहाँ से बंद कर दिया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें रिटर्न आइटम क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे हम क्वांटिटी को चेक करेंगे, अगर एक मिसाल 10 पीस है उसमें 2 पीस वापस कर रहा है तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी वापस करूँगा, तो यहाँ पे सेल के टेबल में जाएगा और उसमें से 2 क्वांटिटी को यहाँ माइनस कर देगा जो 2 क्वांटिटी वापस हो रही है, फिर इसी तरह स्टॉक के टेबल में जाएगा और स्टॉक के टेबल में आके 2 क्वांटिटी को जो है वो प्लस कर देगा कि 2 क्वांटिटी इसकी जो रिटर्न आई है वो प्लस हो जाएगी, और जब क्वांटिटी प्लस हो जाएगी तो उसकी अमाउंट भी यहाँ प्लस हो जाएगी, सेल में से उसकी अमाउंट को मैंने माइनस कर दिया और उसकी अमाउंट को जनरेट करने के लिए इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया सेल प्राइस के साथ, चाहूँ तो मैं वहाँ से उठा भी सकता था लेकिन यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और सेशन आईडी को मैच करके, और ये हमने वेयर क्लॉज में सेशन आईडी और आइटम आईडी को मैच कर दिया, तो यहाँ पे जो है आइटम के नेम के हिसाब से मैं इसको मैच कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टॉक के अंदर आके इसको क्या कर रहे हैं हमने जो है वो ये स्टॉक में भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ से सेल माइनस हो जाएगी, क्वांटिटी माइनस हुई स्टॉक में ऐड हो जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी ऐड हो गई है, तो ये जो हमारा काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया सेल है, यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया। दूसरा इसके बाद जो ये वाला बटन था रिटर्न आइटम का, ये उस पूरी रो को रिमूव करेगा, और रो को रिमूव करने के लिए मैंने P_ रिटर्न के नाम से जो है स्टॉप प्रोसीजर्स को यूज़ किया है, और उसके अंदर सिंपल से जो है वहाँ पे आके मैंने क्या किया P_ रिटर्न के लिए जो भी को दिखाया था उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो अपडेट वही स्टॉक से अपडेट करेगा, और अपडेट में स्टॉक अपडेट करेगा तो वहाँ पे क्वांटिटी को जो है उसको जो है वो स्टॉक के अंदर जो है माइनस क्वांटिटी जो है वो स्टॉक में उसकी वैल्यू चेंज जाएगी, यानी स्टॉक में जाएगा और यहाँ पे रियल स्टॉक में जाके उसमें भी उसको माइनस कर देगा, मतलब उसको डिलीट कर देगा इसकी रो को, और यहाँ से स्टॉक में से भी जो है उसको अपडेट कर लेगा। P_ रिटर्न का मेथड ये काम कर रहा है। मकसद क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर पूरी रो को आइटम को उड़ाना है तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर आके भी जो है P_ रिटर्न का स्टॉक प्रोसीजर क्या करेगा, उस पूरी रो को रिमूव कर देगा, जबकि वो क्वांटिटी करेगा। लास्ट में मैं दोबारा से इसको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। और इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाला रिटर्न ऑल, ये पूरी सेशन आईडी को रिटर्न करेगा,
रिटर्न ऑल आपके पास पूरी सेशन आईडी को रिटर्न करेगा। जब मैंने सेशन आईडी देखी, मैंने पी एंड से रिटर्न देखकर स्टॉप से ले लिया और यहाँ मैंने क्या कर दिया कि उसकी पूरी आइटम को उसके उसको उसको रिमूव कर देगा। जबकि यहाँ पे उसके सिर्फ रो को रिमूव करेगा, यहाँ पे उसके रो को मैंने मैच किया हुआ है और मैंने वहाँ पर सेशन आईडी नहीं दिया हुआ। अब यहाँ देखिए सेशन आईडी, मैंने यहाँ पर सेशन आईडी कर दिया, आइटम क्वान्टिटी आ गई। जबकि यहाँ जो मैं कर रहा हूँ रिटर्न ऑल के अंदर, इसके अंदर मैं आइटम क्वांटिटी वही सेशन आईडी हमारे पास कर दिया, आइटम आईडी दे दी और यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ग्रिड के थ्रू लूप चलेगी और जब लूप चलेगी तो इसका मतलब एक रिकॉर्ड नहीं जाएगा बल्कि उस लूप के अंदर उस सेशन आईडी में जितने भी सेशन होंगे, जितने भी रोज जनरेट हुए होंगे, वो सारी की सारी रिमूव करेगा। क्योंकि ये लूप चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक ये सेशन आईडी वहाँ पे उसको मिलेगी। जबकि इसके अंदर मैं आ जाता हूँ रिटर्न आइटम के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मैंने एक लूप नहीं चलाई है, मैंने सिर्फ पर्टिकुलर स्टोर पर मैंने एक ही ले रहा हूँ लेकिन एक जगह लूप चला रहा हूँ तो इसका मतलब वन बाय वन सबको रिमूव करेगा। और एक जगह मैं लूप नहीं चला रहा हूँ तो इसका मतलब है वो एक ही आइटम जो मैंने सिलेक्टेड किया होगा उसी रो को रिमूव करेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया आपके? एक ही स्टोर प्रोसीजर जो काम कर रहा है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके पास स्टोर प्रोसीजर मौजूद है, मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ स्टोर प्रोसीजर को कि यहाँ पे स्टॉक अपडेट करेगा स्टॉक को और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी में से जो है टोटल क्वांटिटी में से उसको माइनस कर देगा क्योंकि रिटर्न हो गई आपके पास, परचेस प्राइस से माइनस कर देगा और यहाँ पे आइटम क्वांटिटी भी इसकी जो है वो माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे कौन करेगा आपके पास जो है वो स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया है, वो जो हमने स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया है वहाँ से एसएमएस को रिटर्न का यानी सेल रिटर्न का मैं पी रिटर्न मतलब मैं यही कह रहा था कि माइनस प्लस क्यों हो रहा था बेसिकली। नहीं ये अब मैं आपको समझाता हूँ कि पी अंडरस्कोर रिटर्न ये परचेज रिटर्न वाला है, यानी ये मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये रिटर्न आइटम में। तो ये रिटर्न आइटम क्या करेगा आपके पास तो उस आइटम को रिटर्न कर रहा है तो पी अंडरस्कोर रिटर्न का स्टोर प्रोसीजर बल्कि यहाँ पे हमारे पास आएगा एस अंडरस्कोर रिटर्न का आएगा। तो यहाँ तो हम सेल को रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ तो सेल रिटर्न हो रही है। तो क्योंकि जो सेल रिटर्न हमारे पास हो रही है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि इस सेल रिटर्न वाला जो ये वाला स्टॉक प्रोसीजर है ये परचेज नहीं है, सेल रिटर्न का है। ये क्या कर रहा है स्टॉक में से उस क्वांटिटी को जो है वो अपडेट कर रहा है और उस क्वांटिटी को स्टॉक में से मैंने नाम थोड़ा सा मिस्टेक किया था और ये बनाते हुए पी अंडरस्कोर रिटर्न वाला जो स्टोर प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूँ ये पी अंडरस्कोर रिटर्न वाला ये बेसिकली है। ये क्या करेगा पी अंडरस्कोर रिटर्न वाला स्टोर प्रोसीजर ये चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो स्टॉक में से उसकी क्वांटिटी को जो है वो प्लस करेगा। देखिए स्टॉक में क्वांटिटीज की प्लस होगी, स्टॉक में क्वांटिटीज की प्लस होगी, आइटम की क्वांटिटी यहाँ से प्लस कर देगा, जहाँ पे आइटम आईडी को मैच करके स्टॉक में से क्वांटिटी को प्लस कर देगा और फिर क्या करेगा डिलीट कर देगा इसको सेल के टेबल में से, यानी इस रो को डिलीट कर देगा सेल के टेबल में से। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो पी एंड एस रिटर्न वाला स्टॉक प्रोसीजर रन हो जाएगा और ये इनवॉइस के अंदर जब मैं आऊँगा ना इनवॉइस के अंदर मैंने यहाँ पे सेल एस यानी मैंने नाम दोनों के उल्टे दे दिए थे कि पी ए दे दिया था और एस दे दिया था लेकिन जो मकसद जो स्टॉक प्रोसीजर बना था एस वाले के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या करेगा ये तो इनवॉइस को रिटर्न करेगा एस रिटर्न, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे चल रहा है वो पी रिटर्न चल रहा है और पी रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे हमारे पास उस क्वांटिटी को वहाँ से प्लस कर रहा है। ये स्टॉक प्रोसीजर आपके पास मैंने पहली क्लास में उसकी जो पहली वीडियो उसमें समझाया था वहाँ से इसको देख लीजिएगा, उसमें इसको प्लस कर लेगा और यहाँ से ये प्लस हो जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा मैं दोबारा इसको चला के इसको दिखा रहा हूँ कि अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे दिया है ना जो मैंने यहाँ पे रिटर्न आइटम में जो मैं रिटर्न आइटम कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने पहले तो मैं दोनों को एक साथ कर रहा था लेकिन बाद में मैंने इसको हटा दिया है तो इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ ये इनवॉइस के लिए तो मैंने अलग से बना दिया था ना तो इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, लास्ट में आपको चला के दिखा देता हूँ। और जो हमारे पास क्या हो गया अच्छा ये हमारे पास मेथड और ये भी जाएगा सॉरी ये कमेंट होगा। ठीक है जी, अच्छा तो अब यहाँ पे जब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से वो रिटर्न हो जाएगा, मैं दोबारा फॉर्म पे क्लिक करूँगा वापस आ जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे जब मैं रिटर्न पे आ जाता हूँ
तो अब मैं यहाँ पे देखे, जब मैंने यहाँ पे रिटर्न आइटम, पहले तो मैं ये बना रहा था कि रिटर्न आइटम में जो है मैं इसको इन्वाइस के लिए भी लगाऊँ या सेल सेशन के लिए लगाऊँ, दोनों, लेकिन इसी में इसको मैंने इसको सेशन के लिए महदूद कर दिया और स्टॉक फिर जो है उसके लिए मैंने अलग बटन बना दिया, तो यहाँ से स्टॉक रिटर्न नहीं कर रहा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कोई भी आइटम यहाँ से रिटर्न कराता हूँ, मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे कोई भी सेशन आईडी है या आइटम है ना जो सेल हुई है, हमें इसको रिटर्न करना चाहते हैं। अब इसके अगेंस्ट में, अब जैसे यहाँ पे मैंने सेशन आईडी लिखी है, तो सेशन आईडी आपके पास जनरेट हो गई। अब यहाँ देखिए, अगर मैं किसी भी आइटम को, पर्टिकुलर जो आइटम है, अब इसको मैं रिमूव करूँगा, तो अब इसकी क्वान्टिटी ऑलरेडी एक ही है, तो अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहूँगा तो अब जैसे इसको, इस रो को सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ से इसको रिमूव करना है, तो टोटल क्वांटिटी को अगर मैं यहाँ पर आके अगर मैं इसको क्वांटिटी माइनस करता हूँ, अगर क्वांटिटी होती तो मैं क्वांटिटी इसमें से माइनस कर लेता ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर रिटर्न आइटम करूँगा तो वो इस रो को रिमूव कर देगा। जैसे मैं पहली वाली रो को रिमूव कर देता हूँ, मिचेस वाली, मिचेस की ये पहली रो को मैं रिटर्न, तो रिटर्न आइटम क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। अब जब मैं ये आईडी दोबारा लगाऊंगा यहाँ पे, तो वो रो आपके पास यहाँ से मिचेस की रो जा चुकी है, ठीक है जी। एक तो ये उसे रिमूव कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी क्वांटिटी को किसी करना चाहूँगा, तो क्वांटिटी अगर होगी तो उस क्वांटिटी के ज़रिए मैं उसकी क्वांटिटी पे कर लेते हैं। आगे यहाँ पे आके हम कोई और सेशन आईडी लेते हैं। अब जैसे मैंने ये ले ली और इसमें आके देखते हैं, तो यहाँ मैं सेशन आईडी दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ रही है। और जब मैं इसमें सब, इसमें भी क्वांटिटी एक ही है, अगर कोई दो क्वांटिटी, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने बटन बनाया था, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो उसका पर्पज़ जो था वो था कि सिर्फ उसी उसकी आइटम उस रो को रिमूव कर देगा। अच्छा, ये फॉर्म अगर जैसे है मैं, ये वापस सही हो जाएगा। आप यहाँ पर आके जो आपका रिटर्न वाला फॉर्म है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो ये आपके वापस उसी हालत में वापस ले आया, ठीक है जी। और इस तरह से स्टॉक का मैंने आपको बता दिया, स्टॉक जो रिटर्न करेगा यहाँ पे जो अपडेट करके, मैं रियल स्टॉक से भी अपडेट कर रहा हूँ या स्टॉक से भी अपडेट कर रहा हूँ, इसके बाद जो इसके एंट्री कर रहा हूँ, जैसा मतलब स्टॉक आपका वापस हो रहा है, स्टॉक वापस हो रहा है तो वेंडर के थ्रू वापस हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक की जो, उसके मैंने अलग से कोड लगाया था, लेकिन बाद में मैंने उसको उसका इस्तेमाल नहीं किया। जबकि रिटर्न ऑल करेगा उस पूरे को रिमूव कर देगा। यहाँ पे चूंकि लूप चला रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ, इसलिए मतलब है कि जितने भी उस सेशन आईडी पे जितनी भी रोज होंगी उन सबको रिमूव करेगा, तो इस तरह से वन बाई वन रिमूव भी करेगा और साथ में जाके उसमें स्टॉक में ऐड भी करेगा, ऐड भी करता जाएगा और रिमूव करता जाएगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निक होती है कि इस तरह से मैं इसको लूप चला दिया, लूप चलाया तो सब मतलब है, अब जो यही कोड मैं लगा रहा हूँ इस पर भी और यही कोड मैं इस पर भी लगा रहा हूँ, अगर मैं ये कोड इस पर लगाता हूँ तो इसका मतलब है इसमें लूप नहीं चल रही, तो एक ही जो जो मैं सिलेक्टेड होगी इसी उसी को रिमूव करेगा। जबकि यहाँ चूँकि लूप चल रही है इसके ऊपर, तो देने से मतलब है जब उस पर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे रिटर्न ऑल के अंदर, तो यहाँ मैं चूँकि लूप चला रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उस सेशन आई डी पर जितनी भी उसको मिलेगी तो वन बाई वन सबको रिमूव करता रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसे साथ साथ देखें, थोड़ा सा कोड जो है समझें, समझने के बाद इसको अप्लाई करें। और अगर आपको इसमें कोई भी कमेंट चाहिए, किसी भी चीज़ को रिपीट करना चाहें, तो उस बारे में मुझसे मुझे कमेंट करें। और मेरे सेशन अगर पसंद आ जाता है मेरी रिकॉर्डिंग, तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करते रहें, मुझे पूछते रहें। और इसको बड़ी वीडियो में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन जैसे साथ साथ मुझे पूछते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है जी। अल्लाह।